राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक मालिक और उसके नौकर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, सनातन चौधरी सुंदरगढ़ के पुराने रईस थे। उनके परदादा और दादा अपने समय में सुंदरगढ़ के रियासतदार थे। समय के साथ साथ रियासतें ख़त्म हो गईं, पारिवारिक बंटवारे में जमीन भी बटकर छोटी होती गई और सनातन बाबू के चाचाओं और चचेरे भाइयों ने तो अपनी जमीन जायदाद बेचकर शहरों में अपना जीवन अपना लिया। आज यहाँ सिर्फ सनातन बाबू पुस्तैनी जो उनकी कोठी है उसमें लगभग 30 कमरे हैं और करीब 20 एकड़ जमीन के मालिक रह गए थे। सनातन बाबू इस कोठी में अकेले ही रहते थे क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया था। परिवार के नाम पर बस एक पुराना बूढ़ा नौकर रामदीन ही उनका सब कुछ था। मालिक और नौकर दिन भर एक साथ रहते और एक दूसरे से बतियाते हुए समय बिता रहे थे। आजकल जमींदारी का हिसाब किताब रखने के लिए सनातन बाबू ने एक मास्टर को नियुक्त कर लिया था क्योंकि उनका कारोबार बहुत ज़्यादा ना सही मगर जितना भी था उसकी देखरेख करने और सरकारी देनदारियों का हिसाब रखने के लिए एक जानकार व्यक्ति की ज़रूरत थी। मास्टर वहीं पाठशाला में गणित पढ़ाता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। सनातन बाबू के पास एक पुस्तैनी और नायाब रत्न था जिसे रक्तवर्ण नीलम कहते हैं। जी हाँ, यह एक दुर्लभ रत्न था। दरअसल नीलम रत्न नीलम से हटकर था। इसकी खासियत यह थी कि यह नीलम दिन में माणिक की तरह गुलाबी लाल आभा बिखेरता था मगर शाम होते ही उसकी रंगत बदलने लगती थी और आधी रात तक यह पूरी तरह नीला हो जाता था। कहते हैं कि सारी दुनिया में ऐसे सिर्फ दो ही रत्न थे, एक ब्रिटिश म्यूजियम में और दूसरा सनातन बाबू के खजाने में था। इस रत्न के बारे में लोगों को तब पता चला जब अचानक लंदन के म्यूजियम वाले नीलम पर एक कार्यक्रम दिखाया गया। इसी तरह समय कहीं जाकर सनातन बाबू को अपने पास रखे नीलम के महत्व का पता चला कि ये कितना कीमती रत्न उनके खजाने में है। कहीं से यह खबर जो सनातन बाबू के पास एक ऐसा ही रत्न है मीडिया वालों को पता लग गई। अखबार वाले और मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। इस इंटरव्यू के बाद देसी अखबारों में इस रत्न की खासियत और सनातन बाबू का नाम दोनों ही विख्यात हो गया। दूर दूर से लोग इस रत्न को देखने आने का अनुरोध भेजने लगे। आखिर सनातन बाबू ने प्रति सप्ताह सिर्फ रविवार के दिन में 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसको मतलब अनुमति लोगों को दे दी। इस रत्न को दिखाने की व्यवस्था भी कर दी। प्रत्येक रविवार सिर्फ 20 लोगों को अनुमति मिलती और जो लोग आते उनका प्रबंध मास्टर जी और रामदीन के जिम्मे रहता था। ये लोग बड़ी संख्या में वहाँ आना चाहते थे मगर सनातन बाबू और मास्टर जी दोनों की राय थी कि इस रत्न पर ज़्यादा प्रचार नहीं करने दिया जाए। आखिर लगभग 6 माह तक उस रत्न की प्रदर्शनी लगाकर सनातन बाबू ने उसका प्रदर्शन करना बंद कर दिया। लोगों में निराशा जरूर बढ़ी मगर सनातन बाबू ने यह कहकर कि उन्होंने रत्न बेच दिया है सबको चुप करा दिया। वो रत्न सनातन बाबू के पास ही है, यह बात सिर्फ सनातन बाबू मास्टर और रामदीन नौकर ही जानते थे। यह बात उन तीनों के बीच में थी। नीलम का प्रदर्शन बंद होने के कुछ महीने बाद सनातन बाबू के चार दोस्त अपनी पत्नियों के साथ शहर से उनके घर आने का प्रोग्राम बनाने लगे। सनातन बाबू को उनका प्रस्ताव सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नौकर रामदीन और मास्टर को यह बात बताई और उनका सारा प्रबंध करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर सनातन बाबू के मित्रों के लिए कमरे तैयार कर दिए। निश्चित दिन एक दिन पहले सनातन बाबू ने मास्टर जी को लेकर रेलवे स्टेशन जाने का कार्यक्रम तय कर लिया। उस दिन सुबह सुबह मास्टर जी उनके घर आ गया। ट्रेन दिन के 11:30 बजे आने वाली थी। वे लोग नाश्ता करके 9:30 बजे सनातन बाबू की जो कार थी उसे स्टेशन को निकल गए और 10:15 बजे पहुंच गए। वहां गाड़ी पार्क करके वे अंदर स्टेशन
मास्टर के केबिन में आ गए। वे सनातन बाबू के परिचित थे। सब लोग वहीं बैठकर ट्रेन की राह देखने लगे। ट्रेन आने में अभी वक्त था, इसलिए मास्टर जी थोड़ा केबिन के बाहर आ गए और सिगरेट सुलगाकर स्टेशन पर ही चहलकदमी करने लगे। कुछ देर यूं ही टहलकर वे वापस केबिन में आ गए। तब तक अर्दली चाय ले आया था, चाय के साथ बिस्किट भी थे। सबने मिलकर चाय पी और गपशप करने लगे। इतने में ट्रेन आने का संकेत मिला तो स्टेशन मास्टर जी व्यस्त हो गए और वे दोनों भी प्लेटफार्म पर आ गए। गाड़ी आई तो सनातन बाबू और मास्टर जी दोनों ही सतर्क होकर चारों ओर नज़र दौड़ाने लगे। तभी सामने वाली बोगी में से उनके मित्र उतरे। मास्टर जी दौड़कर उन तक पहुंचा। वे लोग उसे देखकर चौंककर देखने लगे तो उनके हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया। यह देखकर सनातन बाबू दूर से ही बोले, अरे भाई वो मेरे साथ है, मास्टर जी मेरा सहायक है। सबने उसके अभिवादन का जवाब दिया। बाहर आकर भाड़े की गाड़ियों में उन्हें बिठाकर सब लोग सनातन बाबू के घर आ गए। यहाँ रामदीन ने सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था बाहर लॉन में ही कर रखी थी। सबको वहीं बैठाकर और गाड़ियों से सामान निकालकर रामदीन उनके कमरे में जमा करने लगा। सब लोग लॉन में बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। सनातन बाबू ने सबसे एक एक करके मास्टर जी का परिचय करवाया। उन्होंने बताया कि ये उनके बचपन के दोस्त हैं, पहले सुकुमार जी और उनकी पत्नी रमा, फिर रजत जी और उनकी पत्नी दीपा, तीसरे नंबर पर गोपाल नश्कर जी और उनकी पत्नी आशा, और चौथे नंबर पर भास्कर चटर्जी और उनकी पत्नी रेवती चटर्जी थे। मास्टर जी ने सबका अभिवादन कर सम्मान जताया। फिर वे लोग कोठी के अंदर आ गए। यहाँ उन्होंने रामदीन से मेहमानों के सारे इंतजाम करने की जानकारी ली। थोड़ी देर में सभी अंदर आ गए थे तो रामदीन और मास्टर जी ने उनको उनके कमरों तक पहुँचा दिया। अपने अपने कमरों में आकर सभी ने स्नान किया और फ्रेश हो गए। उनके कमरे में आने से पहले ही सनातन बाबू ने सबको बता दिया था कि दोपहर का भोजन ठीक 1:30 बजे लिया जाएगा। सब लोगों ने कमरे में थोड़ा आराम किया और 1:15 बजे एक एक करके सभी डाइनिंग रूम में आ गए। भोजन से फुर्सत होते ही दोपहर के 2 बज गए। तभी सुकुमार जी ने प्रस्ताव रखा कि हल्की सर्दियों के दिन हैं तो क्यों ना दिन रहते रहते सब लोग मिलकर थोड़ा इस सुंदरगढ़ को घूम लिया जाए। सबने सहमति दे दी, मगर सनातन बाबू बोले, भाई मुझे तो तुम लोग माफ़ करो, मुझे दोपहर में थोड़ा सोने की बुरी आदत है, मैं नहीं जा पाऊँगा, मगर मास्टर जी तुम लोगों को घुमाकर जरूर लाएंगे। सब तैयार हो गए और निकल पड़े। उन लोगों को लौटते लौटते शाम हो गई। लगभग 5:30 बजे वे कोठी में आ गए। हल्की सर्दी पड़ने लगी थी, सो रामदीन ने लकड़ी वाली बड़ी सी अंगीठी जलाकर लॉन में लगी छतरी के नीचे लाकर सजा दिया। सब लोग आकर वहीं बैठ गए। रामदीन बोला, आप लोग यहीं बैठो, मैं अभी सब आप सभी के लिए चाय और गरम गरम पकौड़े लाता हूँ। सब लोग बैठ गए। भीतर से सनातन बाबू भी आ गए। तभी रामदीन गरम चाय और पकौड़े ले आया। चाय नाश्ता करते करते सब गप्पे मारने लगे। ऐसे ही शाम बीत गई, सब लोग अंदर आ गए। सनातन बाबू ने सबसे पूछा कि डिनर कब करेंगे, तो सुकुमार जी बोले, भाई हम लोग तो लेट ही डिनर करते हैं, सो रात को 10 बजे के आसपास महफिल जमाएंगे और उसके बाद ही डिनर होगा। बाकी सब ने भी उस पर अपनी सहमति दे दी। तय हुआ कि सब लोग ठीक 10 बजे डाइनिंग हॉल में आ जाएंगे। सब अपने अपने कमरों में चले गए। 10 बजे सभी डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो गए। शराब तो कोई पीता नहीं था, हाँ कोल्ड ड्रिंक जरूर रखा गया और साथ में भुने काजू और पनीर के पकौड़े और अमिश वालों के लिए जो चिकन टिक्के की व्यवस्था थी। सब साथ ही बैठे थे और गपशप हंसी मजाक पुरानी यादों के दौर चल रहे थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक गोपाल नश्कर जी बोले, भाई सनातन तेरे पास तो वो नायाब रतन है।
हमें नहीं दिखाइएगा? यह सुनकर रजत बाबू ने कहा, रहने दो गोपाल, इसने शायद वो रतन बेच दिया है, अब हमें कहाँ से दिखाएगा। यह सुनकर सनातन बाबू हंसकर बोले, अरे भाई, वो तो इस मास्टर ने सुझाया था कि बढ़ती भीड़ से छुटकारा पाने के लिए यह बात फैला दी जाए, मगर सच तो यह है कि वो आज भी मेरे पास ही है। अरे तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग तो मेरे मित्र हो, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? यह सब सुनकर रमा और दीपा ने एक साथ कहा, भाई साहब, हम सब उसे देखने को बड़े उत्सुक हैं, कृपया दिखाइए ना। सनातन बाबू बोले, थोड़ा ठहरिए, मैं अभी लाता हूँ। उन्होंने मास्टर जी को पीछे आने का इशारा किया और उठकर अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर उन्होंने मास्टर जी को दरवाजा बंद करने को कहा और खुद कमरे की दीवार पर बनी लोहे की कपाट वाली अलमारी के सामने पहुँचे। उन्होंने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी घुमाई, फिर दूसरी चाबी लगाई और आखिर में तीसरी चाबी लगाने पर ही उस अलमारी का ताला खुला। सनातन बाबू ने उस अलमारी से हाथ डालकर कुछ निकाला। मास्टर जी गौर से सब कुछ देख रहा था। सनातन बाबू के हाथ में एक नक्काशीदार लकड़ी की खूबसूरत सी छोटी सी संदूकची थी, उसे उन्होंने वहीं रखी टेबल पर रखा और उसके भीतर से एक सुनहरी चाबी निकाली और उस चाबी से उन्होंने अपनी सामान्य अलमारी के भीतर बने सेफ को खोला और उसमें से लकड़ी से बनी जो डिब्बी निकाली, उसे अलमारी से निकालते ही सारा कमरा चंदन की खुशबू से महक उठा। उन्होंने मास्टर जी को वो डिबिया पकड़ाई और खुद ने उस सुनहरी चाबी से सेफ को बंद कर दिया। इसके बाद वे लोग बाहर डाइनिंग हॉल में आ गए। हॉल में आकर सनातन बाबू ने सबको वह डिबिया खोलकर उस रतन के दर्शन करवाए। सभी ने उस डिबिया को हाथ में लेकर देखा, इसलिए सभी के हाथ चंदन की खुशबू से महक उठे। उस रतन को देखने के बाद भास्कर बाबू ने सवाल किया कि उस रतन को चंदन की डिबिया में ही रखना जरूरी है क्या? यह सुनकर सनातन बाबू बोले, हाँ भाई, यदि इसे दिन भर कम से कम 12 घंटे तक चंदन की डिबिया में नहीं रखा जाएगा तो इसकी रंग बदलने वाली खूबी खत्म हो जाएगी, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे स्थायी रूप से इस डिबिया में रखने की व्यवस्था कर दी थी। रतन देखकर सभी खुश हो गए। उसके बाद सब डिनर की तैयारी करने लगे। सनातन बाबू अपने कमरे में उस डिबिया को वापस रखने चले गए। जैसे ही वे वापस अपनी कुर्सी पर बैठे तभी लाइट चली गई। सब लोग चकरा गए, मगर 5 मिनट में ही लाइट आ गई, जबकि अब डाइनिंग टेबल में एक बढ़िया सा केक रखा था और उस पर एक मोमबत्ती लगी दिखाई दे रही थी। तभी सब लोग मिलकर सनातन बाबू को जन्मदिन की बधाई देने लगे और उन्हें केक काटने को कहा। यह सब देखकर सनातन बाबू ने आश्चर्य से कहा, अरे तुम लोगों को याद था? इस पर चारों दोस्तों ने एक साथ कहा, हाँ मित्र, और इसलिए हम मास्टर जी को लेकर बाहर गए थे सारा इंतजाम करने के लिए। उसके बाद सबने मिलकर भोजन किया। कुछ दिन वहाँ छुट्टी बिताकर सनातन बाबू के चारों मित्र वापस चले गए। इसके कुछ समय बाद एक दिन दोपहर में जब सनातन बाबू भोजन कर रहे थे, रामदीन रसोई में था, तभी दो गुंडे नुमा युवक घर में घुस आए और सीधे सनातन बाबू को धमकाते हुए बोले, सुनो चाचा, भलाई इसी में है, हमारी बात मानकर उस किशन सेठ को यह बिल्डिंग बेच दो, वो अच्छा दाम दे रहा है, वरना बाद में पछताओगे। जब वह धमकी दे रहे थे तभी रामदीन गर्म रोटियां लेकर आया। उसने गुंडों को सनातन बाबू को धमकाते देखा तो रामदीन यह सुनकर घबरा गया। वे गुंडे सनातन बाबू को धमका कर चले गए। रामदीन ने आकर सनातन बाबू को संभाला। सनातन बाबू भोजन की टेबल से उठकर खड़े हो गए और अपने कमरे में आ गए। रामदीन ने सब काम निपटाने के बाद बाजार जाने को कहकर मास्टर जी के पास पहुंचा और उन्हें सारा हाल बताया। यह सुनकर मास्टर जी ने उसे डांडस बंधाया और बोला, मैं देखता हूँ। और उस शाम मास्टर जी जब आया तो सनातन बाबू लॉन में ही बैठे थे। मास्टर जी ने देखा
ऐसा दिखाया जैसे उसे दोपहर की घटना का कोई पता ही नहीं था। सनातन बाबू भी सहज दिखने का प्रयास कर रहे थे। मास्टर अपना काम निपटाने भीतर चला गया। रामदीन चाय बना कर रख गया। एक घंटे बाद सनातन बाबू ने मास्टर जी को अपने पास बुलाया तो वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसे दोपहर वाली बात बताई और बोले, भाई साहब अब तो इन गुंडों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। अब देखो आज घर के भीतर आकर धमका गए, कल को गोली मार देंगे। आज तो मैं बहुत घबरा गया हूँ। लगता है मेरे लिए बुजुर्गों की इस धरोहर को अब संभालना मुश्किल होगा। मास्टर जी ने उन्हें डांडस बंधाया और पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी, मगर सनातन बाबू ने मना कर दिया। मास्टर जी घर आ गए, तब रात के 8 बज रहे थे। उनके आने के 10-15 मिनट बाद ही उनके दो मित्र नीलेश और हरमन आ गए। दरअसल आज मास्टर जी के घर पर उन्हें डिनर का निमंत्रण था। वे बैठकर आपस में गपशप कर रहे थे। भीतर मास्टर जी की पत्नी भोजन की तैयारी कर रही थी। इधर रात के साढ़े नौ बजे सनातन बाबू के घर की कॉल बेल बजी। रामदीन ने मुख्य दरवाजे की बत्ती जलाकर कांच से बाहर देखा तो एक रहीस जो दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। सनातन बाबू ने रामदीन को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया तो वो दरवाज़ा खोलकर आ गया और उस व्यक्ति को भीतर बैठक में ले गया। थोड़ी देर में सनातन बाबू आए और उनसे उनका अभिवादन किया। दोनों बैठ गए। सनातन बाबू बोले, अच्छा तो आप ही सेठ हीरा नंदानी हैं? उसने सहमति में सर हिलाकर कहा, जी बाबूजी, मैंने ही दिन में आपको फ़ोन करके आने को बोला था। सनातन बाबू बोले, देखिए हीरा नंदानी जी, मैं वो नीलम बेचने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने आपको दिन में ही बता दिया था, आप व्यर्थ में मेरा और अपना समय खराब कर रहे हैं। हीरा नंदानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मैं आपको उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, बस आप हामी भर दो। सनातन बाबू ने फिर इनकार किया तो वे बोला, सोच लीजिए बाबू, मैं आपको नगद 1 करोड़ दे सकता हूँ। सनातन बाबू ने इनकार में सिर हिलाया तो वह फिर बोला, 1.5 करोड़। सनातन बाबू थोड़ा सोचकर फिर मना कर दिया। अब वो एकदम से बोला, 2.5 करोड़। यह सुनकर सनातन बाबू की आंखें फटी रह गई। सौदा तय हो गया। अगले दिन भुगतान करके नीलम ले जाने का वादा करके हीरा नंदानी चला गया। रामदीन ने भी सारी बातें सुनी तो सनातन बाबू ने अगले दिन सुबह रामदीन और मास्टर जी को घर भेजा और उसे उस दिन स्कूल से जो स्कूल में गया हुआ था उधर से अवकाश लेकर उनके पास आने को कहलवाया। मास्टर जी आ गए। दिन में 2:30 बजे हीरा नंदानी आया, उसने भुगतान किया और नीलम लेकर चला गया। सनातन बाबू ने मास्टर जी को 2.5 करोड़ नगद राशि गिनने में लगा दिया। गिनकर मास्टर जी ने रुपए उन्हें दे दिए तो उन्होंने उसे अलमारी में ही रख दिया। मास्टर जी अपने घर चला गया। घर पर उसके दोनों दोस्त भी आ गए थे। उनसे मास्टर जी ने आज की डील पर चर्चा की। डील की राशि और उसके नगद भुगतान के बारे में सुनकर दोनों दोस्तों की आंखें फटी रह गईं। अगले दिन मास्टर जी अपने निर्धारित समय पर सनातन बाबू के घर गए। सब कुछ सामान्य था। मास्टर जी अपना काम निपटा कर 8:30 बजे घर चला गया। सनातन बाबू भी अपने डिनर की तैयारी कर रहे थे तभी बाहर गेट पर धमाके की आवाज़ आई। उसे सुनकर रामदीन तुरंत भागा। वहाँ उसने दो लड़कों को भागते हुए देखा मगर अंधेरे की वजह से पहचान नहीं सका। सनातन बाबू ने मास्टर जी को फ़ोन लगाकर जानकारी दी। मास्टर जी ने उनसे पुलिस को खबर करने के लिए फिर बोला। वे बोले, अब रात में ही नहीं सुबह देखेंगे। सनातन बाबू कहने लगे कि अब सुबह में देखते हैं क्या करना है, और फोन रख दिया और सोचने लगे। उन्हें लगा यह हरकत उस बिल्डर के उन दोनों गुंडों ने ही की होगी। अगले दिन सुबह मास्टर जी उठकर चाय पी रहा था तभी फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से रामदीन की घबराई आवाज में बताया कि सनातन बाबू को शायद कोई रात में गोली मार गया। आज सुबह जब वे नहीं उठे तो उनके कमरे में उन्हें देखने गए। वे बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े हुए थे।
उसने उन्हें टटोल कर देखा तो वे मर चुके थे। मास्टर जी ने उसे कमरे में कोई भी छेड़छाड़ करने से मना किया और पुलिस को फोन लगा दिया। रामदीन से सनातन बाबू की हत्या का समाचार पाकर मास्टर जी सीधा उनकी कोठी की ओर भागा। कोठी में आकर उसने सबसे पहले उस कमरे का दरवाजा बंद करवाया जिसमें उनकी हत्या हुई थी। फिर वहीं से उसने थाने में फोन लगाया। थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर शमशेर सिंह उसके परिचित थे। फोन उन्होंने उठाया था। मास्टर जी ने उन्हें सनातन बाबू की मौत की खबर देकर तुरंत वहां पहुंचने को कहा तो वे बोले 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, तब तक किसी चीज को हाथ न लगाया जाए। मास्टर जी उनके आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में शमशेर सिंह आ पहुंचे। उसके साथ फोटोग्राफर, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे और अन्य सिपाही भी थे। मास्टर जी उन्हें उस कमरे तक ले गए। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद देखकर उन्होंने प्रश्नवाचक नजरों से मास्टर जी को देखा तो उसने आगे बढ़कर बताया कि कमरे से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो इसलिए उन्होंने ही दरवाजा बंद कर दिया था। शमशेर सिंह ने उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखा, फिर उन्होंने अपनी टीम को इशारा किया। वे लोग आगे बढ़े और उस कमरे में चले गए। उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। शमशेर सिंह बाहर आ गए और एक कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मास्टर जी से बातचीत करनी शुरू कर दी। रामदीन सबके लिए चाय ले आया। वो अभी तक रो रहा था। यह देखकर शमशेर ने उसे अपने पास बुलाया और बेहद नरमी से बोले, बहुत प्यार करते थे अपने मालिक से तुम। रामदीन फबक पड़ा और बोला, जी सरकार, बचपन से इसी घर में बड़ा हुआ हूँ। मालिक को तभी से देखते आया हूँ। आज उनकी मृत देह मुझसे देखी नहीं जा रही है। न जाने कौन थे हत्यारे जिन्हें एक बुजुर्ग की हत्या करते हुए जरा भी लाज नहीं आई। मास्टर जी ने आगे बढ़कर रामदीन के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी और बोला, जाने वाले तो चले गए, अब हमारे पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं है। फिर भी यदि हम हत्यारों को सजा दिला सके तो कम से कम तसल्ली तो होगी। रामदीन आंसू पोंछते हुए चला गया। शमशेर बोले, बहुत गहरा सदमा लगा है अपने मालिक की मौत का बेचारे को। उधर कमरे में फॉरेंसिक तथा फिंगरप्रिंट वाले और फोटोग्राफर अपना काम करके निकल आए तो शमशेर सिंह बोले, आइए मास्टर जी, अब हम भी भीतर चलते हैं। इससे पहले शमशेर ने फिंगरप्रिंट वालों से पूछा, कुछ मिला? तो वे बोले, सर, कमरे में 5 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले। अब घर के लोगों से मिलान करने पर पता चला कि बाहरी लोगों के कितनों के फिंगरप्रिंट हैं। तो मास्टर जी बोला, सर, कमरे में 3 फिंगरप्रिंट तो हम तीनों के हैं, यानी कि सनातन बाबू, मेरे और रामदीन के होने चाहिए, बाकी 2 उन हत्यारों के हो सकते हैं। शमशेर सिंह ने कहा कि ऐसा हो सकता है, चलिए आप दोनों के भी फिंगरप्रिंट ले लिए जाए। और वे दोनों आगे बढ़ गए। सनातन बाबू के सिरहाने उनकी कुर्सी पर और अलमारी के हत्थे तथा भीतर बनी तिजोरी पर थे। अब तो यह स्थापित हो गया कि हत्यारे 2 थे और अलमारी में फिंगरप्रिंट मिलने से मास्टर जी ने शक जताया कि हत्याकांड लूट के उद्देश्य से हो सकती है, क्योंकि उस नीलम के बदले हीरा नंदानी द्वारा दिए गए 2.5 करोड़ रुपए अभी बैंक तक जमा नहीं हुए थे। मास्टर ने सनातन बाबू के घर पर 2.5 करोड़ रुपए नकद होने की जानकारी शमशेर सिंह को दी तो शमशेर सिंह चौंक उठे। उन्होंने मास्टर से सारी बात तफसील से बताने को कहा। तब उन्होंने पूरा किस्सा बताया। यह भी बताया कि रुपए सनातन बाबू ने उनसे ही गिनवाए थे। सब कुछ सुनकर शमशेर ने माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, इसका मतलब सेठ हीरा नंदानी भी एक सस्पेक्ट है, क्योंकि उसे मालूम था कि इतनी बड़ी रकम इस घर में असुरक्षित ढंग से रखी हुई है। वो भाड़े के लोगों से भी यह काम करवा सकता था, क्योंकि यदि उन्हें यह पता लग जाता कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम लूटी है तो वे खुद ही रुपए लूट कर भाग जाते। अब मास्टर जी ने उन्हें टोका और बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्डर किशन और उसके गुंडों को भी भूल रहे हैं जिन्होंने सनातन बाबू को धमकाया था। शमशेर सिंह बोले कि मैं किसी को नहीं भूल रहा जनाब, मेरी लिस्ट में तो आप भी सस्पेक्ट हैं, क्योंकि आपने स्वयं ही
जीवन में पहली बार 2.5 करोड़ जैसी रकम देखी थी या नहीं? सिर्फ देखी थी बल्कि अपने हाथों से गिनी भी थी। आपको भी तो लालच आ सकता है, मास्टर जी सिर पिटा कर कहा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सीधा साधा ईमानदार का स्कूल मास्टर हूँ, मैं ऐसी दुर्दांत घटना को कैसे अंजाम दे सकता हूँ? और हाँ, मैंने सुना है रिवॉल्वर से गोली चलाने पर बारूद के कण चलाने वाले के हाथों में भी चिपक जाते हैं, जो साधारणतः दिखाई नहीं देते, मगर फॉरेंसिक वाले उसे ट्रेस कर लेते हैं। यह सुनकर शमशेर ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, चलिए लगे हाथ आपकी जांच तो करवा ही लेते हैं, कम से कम एक सस्पेक्ट तो क्लीन चिट पाएगा। मास्टर जी तैयार हो गया। फॉरेंसिक वालों ने उनके हाथों की जांच कर उसे बरी कर दिया। मास्टर जी ने हाल में लगे वॉश बेसिन से अच्छी तरह हाथ धोए और रामदीन को आवाज दी। रामदीन के आने पर उसने सबके लिए चाय लाने को कहा। रामदीन चाय ले आया। चाय पीते हुए इंस्पेक्टर शमशेर ने फिंगरप्रिंट वालों से सवाल किया, क्या बाकी 2 फिंगरप्रिंट पूरे घर में कहीं और भी मिले हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, घर पर नहीं मगर जीने की रेलिंग और मुख्य दरवाजे की कुंडी पर जरूर मिले हैं। फॉरेंसिक वालों ने यह भी बताया कि सनातन बाबू को पॉइंट ब्लैक रेंज से गोली मारी गई है और गोली उनके दिल के आर पार निकल गई है। हाँ, उनकी मौत संभवतः उनके आने से 10 घंटे पहले यानी लगभग रात 2-2.5 बजे के बीच हुई है। यह सारी जानकारी शमशेर के साथ आए एक कांस्टेबल ने नोट कर ली। फॉरेंसिक वाले और फिंगरप्रिंट वाले चले गए। इधर शमशेर ने रामदीन को बुलाया और मास्टर को साथ लेकर सनातन बाबू के कमरे में आ गए। सनातन बाबू का कमरा बहुत बड़ा था, लगभग 22-25 फुट का था। उसमें 4 अलमारियां दीवारों पर बनी थी, जबकि 2 विशाल लकड़ी की अलमारियां भी थी। उन लकड़ी वाली अलमारियों में सिर्फ कपड़ों का अंबार ही लगा था। शमशेर ने रामदीन और मास्टर जी से पूछा, आप लोग बता सकते हैं कि इन अलमारियों में क्या है? रामदीन ने तो जो नहीं में सर हिला दिया, जबकि मास्टर जी ने कहा, बाकी अलमारियां को तो नहीं बता सकता, मगर एक अलमारी मेरे सामने खोली गई थी जिसमें नीलम रखा गया था, इतना तो मैं जानता हूँ। शमशेर ने सर हिलाकर हुंकार भरी, अच्छा। फिर रामदीन से बोले, सनातन बाबू इन सब की चाबी कहाँ रखते थे, ये तो तुम बता ही सकते हो? रामदीन ने हामी भरी और बोला, सरकार बाबू इन सब अलमारियों की चाबी अपने सराहने ही रखते थे। शमशेर ने एक एक अलमारी चेक की, सभी बंद थी, बस एक अलमारी खुली मिली। उसे देखकर मास्टर बोला, याद आया सर, मैंने रुपए गिनकर इसी अलमारी में रखे थे। ये हत्या सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि लूट के लिए भी हो सकती है। यह लूट इस हत्या का अहम सुराग बन सकती है। मास्टर की बातें सुनकर शमशेर ने सिर हिलाकर कहा, आप सही कह रहे हैं मास्टर जी। हाँ, तो सबसे पहले आप बताओ कि कल रात यहाँ से जाने के बाद आपकी क्या गतिविधि रही? मास्टर जी बोला, मतलब आप मुझे अभी भी शक के दायरे में रखे हुए हैं? शमशेर इंस्पेक्टर हंसकर बोले, क्या करें मास्टर जी, हमारी तो तफ्तीश शुरू ही शक से होती है। मास्टर जी ने उस समय की अपनी सारी गतिविधियों को तफसील से इंस्पेक्टर शमशेर को बता दिया। शमशेर बोले, चलिए फिलहाल आपको शक के दायरे से बाहर करता हूँ, आइए अब हॉल में चलें। हॉल में आकर उन्होंने रामदीन को फिर चाय पिलाने के लिए कहा। रामदीन चाय बनाकर ले आया और मास्टर जी फॉरेंसिक वालों को क्लीन चिट मिलने के बाद शमशेर से कहने लगे कि मास्टर जी आप अब बेदाग घोषित हो गए हैं, चलिए आप मेरी टीम के सदस्य बन गए हैं, अब आपको भी हर एंगल से इस हत्याकांड का राज खोलने में मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ। हम पुलिस वाले तो अपने ढेर डर्रे से जांच करते हैं, आप एक सिविलियन की हैसियत से कुछ नया भी सोच सकते हैं, चलो आप भी लग जाओ काम पर। इतना कहकर शमशेर चला गया। मास्टर जी ने घटनाओं की सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि सबसे पहले सनातन बाबू के मित्रों के सामने नीलम निकाला गया था, फिर किशन सेठ के गुंडों ने उन्हें धमकाया, फिर सेठ हीरा नंदानी ने उनसे बहुत ऊंची कीमत देकर वो नीलम प्राप्त कर लिया, फिर घर के मेन गेट पर धमाका हुआ, फिर रात में सनातन बाबू की हत्या हो गई और अलमारी से 2.5 करोड़ रुपए लूट गए। इन कड़ियों का आपस में कोई संबंध प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दे रहा था,
इसलिए उसने अलग अलग तरीके से एक एक संदिग्ध हत्यारे को रखना शुरू किया। इसमें सबसे ऊपर नाम आया किशन सेठ और उसके गुंडों का, जिन्होंने सनातन बाबू को साफ तौर पर जान से मारने की धमकी दी थी। मास्टर जी ने विचार करना शुरू किया। उसने सोचा किशन सेठ इस प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से हासिल करना चाहता था। वे दोनों गुंडे जो आए थे वे भी धमकी देकर गए थे, मगर मास्टर जी जहाँ तक जानता था ना तो किशन सेठ ने और ना ही उन गुंडों ने आज तक कोई हत्या की थी। और फिर घर पर जो रुपए होने की जानकारी थी वह मास्टर जी के विचार से उन गुंडों को तो थी नहीं, फिर वो हत्या करने के बाद रुपए कैसे लूट सकते थे। इस विचार के बाद मास्टर जी ने तय किया कि घर चलता हूँ, चलते हुए एक बार शमशेर इंस्पेक्टर से मिल लिया जाए और उससे किशन सेठ और गुंडों के बाबत अपनी चर्चा कर ली जाए। वो सनातन बाबू के घर से रामदीन को बताकर निकल पड़ा। चलने से पहले फ़ोन पर उन्होंने शमशेर को पूछा तो उसने कहा, आ जाओ मैं थाने में ही हूँ, अभी आधे घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, साथ मिलकर इस मामले की शुरू से हुई घटनाओं की कड़ियाँ मिलाकर देखते हैं। मास्टर जी थाने पहुँच गए। शमशेर अपने केबिन में ही बैठा था, तो जैसे ही मास्टर जी पहुँचा तो शमशेर ने कहा, आओ मास्टर जी पहले हम चाय पीते हैं फिर चर्चा शुरू करेंगे। तभी कांस्टेबल चाय रख गया। चाय पीते हुए शमशेर ने मास्टर जी से पूछा, आपकी क्या राय है। मास्टर जी ने किशन सेठ और उसके गुर्गों की कारस्तानी बताकर अपने विचार रखे। यह सब सुनकर शमशेर बोला, तुमने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है, मगर मास्टर मगर यह भी तो हो सकता है कि एक साथ उतने रुपए पाकर सनातन बाबू भी अचंभित हो गए हों और उन्हें नींद नहीं आ रही हो और वे खुद अपने हाथों से रुपए गिनने बैठ गए हों। उन्होंने सोचा होगा इतनी रात कौन आएगा, मगर उनकी बदकिस्मती से किशन सेठ के गुंडे वहाँ उन्हें सिर्फ धमकाने पहुँच गए हों, मगर सामने इतने पैसे पड़े देखकर उनका दिमाग फिर गया और उनकी हत्या कर दी। मास्टर जी ने कहा, जी आप सही कह रहे हैं, यह भी संभव हो सकता है, आखिर पुलिस वालों की अपनी अलग ही थ्योरी होनी चाहिए। शमशेर सिंह हंस पड़े। मास्टर जी बोला, आप सबसे पहले किशन सेठ और उन गुंडों की तहकीकात करवाइए, उनकी उस रात की गतिविधियों को टटोलिए। शमशेर सिंह बोले, हाँ भाई मैं इसकी व्यवस्था करवाता हूँ, तुम अब घर जाओ, सुबह से बहुत व्यस्तता रही है, तुम बहुत व्यस्त रहे हो, शायद घर का नाश्ता अब तक नसीब नहीं हुआ होगा और आपकी श्रीमती जी भी हम पुलिस वालों को कोस रही होगी। मास्टर जी मुस्कुरा कर बोला, नहीं थानेदार साहब, मेरी पत्नी सब समझती है और वो पुलिस वालों को विशेषकर आपका बड़ा सम्मान करती है। शमशेर सिंह जी मुस्कुराए और कहा, चलिए फिर एक दिन आपके घर चाय पर आता हूँ। मास्टर जी मुस्कुरा कर थाने से बाहर चले गए। शमशेर ने रामदीन की मदद से किशन सेठ और उसके द्वारा भेजे गए गुंडों की शिनाख्त के बाद उन्हें उठवा लिया। थाने में किशन सेठ को बुलाया गया। किशन सेठ ने तो उन दोनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इस पर दोनों एक साथ चिल्ला कर बोले, थानेदार साहब यह झूठ बोल रहा है, इसने हमें सनातन बाबू को धमकाने के लिए 5,000 रुपये दिए थे और अब हम इसके ऑफिस में भी 2 बार गए थे, वहाँ का चपरासी भी हमें पहचानता है, चपरासी को अलग से बुलाकर उससे उन दोनों की शिनाख्त करवाने पर उसने हामी भरी कि ये लोग सेठ जी के पास आते थे। अब शमशेर ने किशन सेठ को धमकाया, उससे घटना की शाम से लेकर सुबह तक की गतिविधियों की जानकारी देने को कहा। किशन सेठ घबरा गया। उसने कहा, साहब मैं सनातन बाबू की हत्या की बात सुनकर घबरा गया था, हाँ यह सही है कि मैं उनकी जमीन और कोठी खरीदना चाहता था, मगर वे बेचने को राजी नहीं थे, तब मैंने उन्हें धमका कर प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर करने की सोची और इन दोनों का सहारा लिया, मगर मैं सच कहता हूँ मुझे उस नीलम या उन पैसों की कोई जानकारी नहीं थी, इन दोनों को यदि किसी प्रकार से उन रुपयों की भनक मिली होती तो मैं नहीं बता सकता। उसने अपनी उस दिन की सारी गतिविधियाँ की जानकारी भी इंस्पेक्टर को दे दी। शमशेर ने किशन सेठ की गतिविधियों का परीक्षण करवाया तो उसकी बात सही निकली, उसे तो पूछताछ के बाद संतुष्ट होकर शमशेर ने छोड़ दिया, मगर उसके दोनों गुर्गों को अभी तक लॉकअप में ही रखा गया। शमशेर का सोचना था कि हो सकता है किसी प्रकार से इन लोगों ने नीलम बिकने से मिली रकम की जानकारी लग गई हो और लालच में आकर उन लोगों से सनातन बाबू को लूटने की योजना बनाई हो,
और उनके विरोध करने पर इन्होंने सनातन बाबू की हत्या कर दी हो। शमशेर ने किशन सेठ को छोड़ने और उन दोनों गुंडों को रोककर रखने की जानकारी मास्टर जी को फोन पर दे दी। यह सुनकर किशन सेठ का इस हत्याकांड में हाथ नहीं है। मास्टर जी सोचने लगा कि ये सिर्फ दोनों गुंडों का काम नहीं हो सकता, उनकी अकेले इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक उन्होंने सिवाय हल्की फुल्की लूट खसोट के कभी कोई बड़ी चोरी या डकैती नहीं की थी। फिर इतनी बड़ी रकम लूट कर वे शांत नहीं बैठ सकते थे। मास्टर जी की नज़र अब दूसरे सबसे बड़े संदिग्ध व्यक्ति सेठ हीरा नंदानी थे। उन्होंने नीलम खरीदा था और उन्हें रकम घर पर होने की जानकारी थी। मास्टर जी ने सेठ हीरा नंदानी पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मास्टर ने चाय पीते हुए शमशेर से पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या? तो शमशेर ने कहा हाँ। जब उसने कहा कि रिपोर्ट में क्या आया है, तो शमशेर ने बताया, कोई नई बात नहीं पता चली, पॉइंट ब्लैक रेंज से लगी गोली सीना पार कर गई थी, जो मौत का कारण है। कोई छीना झपटी या हाथापाई के निशान नहीं है। बस यह सुनकर मास्टर बोला, मतलब सनातन बाबू को पता ही नहीं चला कि हत्यारे कौन थे? शमशेर बोला, ऐसा नहीं है मास्टर जी, जब हम सनातन बाबू के कमरे की तलाशी ले रहे थे, तब मुझे एक बटन शर्ट का टूटा हुआ दिखाई दिया। मैंने उस वक्त उसे कोई तवज्जो नहीं दी थी। हाँ, उसे मैंने सीजर रिपोर्ट में दर्ज जरूर करवा दिया। वह यहीं माल खाने में सनातन बाबू की चीज़ों के साथ ही होगा। यह बटन मिलने की बात आई गई हो गई। मास्टर ने शमशेर से कहा कि उसकी नज़र में अगले संदिग्ध ही सेठ जो हीरा नंदानी हैं, क्योंकि उन्होंने ही पता किया था कि नीलम खरीदने के बाद उस रात सनातन बाबू के पास 2.5 करोड़ रुपए नकद रखे हुए थे। और हाँ, उन्हें उस अलमारी की भी जानकारी थी जहाँ पैसे रखे गए थे। तब उसके कहने पर शमशेर ने सेठ हीरा नंदानी की गुप्त निगरानी शुरू करवा दी। 2 दिन बाद शमशेर ने फोन करके मास्टर को बुलाया और बताया कि हीरा नंदानी सेठ है, उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही हैं। सेठ का जो जरायम पैसा लोगों के साथ, जो जुर्मी लोग हैं उनके साथ संबंध है, और वह बेनामी लेन देन करता है। उस नीलम के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचने के लिए उसने दलालों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और कीमत भी रखी है 8 करोड़। दलाल अंतर्राष्ट्रीय समगलरों से संपर्क कर रहे हैं और अभी तक 5.5 करोड़ रुपये का ऑफर भी आ चुका है, मगर हीरा नंदानी मान नहीं रहे हैं। शमशेर ने एक बात और बताई। वह बोला, हीरा नंदानी सेठ ने पिछले 2 दिनों में करीब 3 करोड़ रुपये का नगद लेन देन किया है। अब इतना नगद रुपया उसके पास कहाँ से आया, ये तो जरूर जांच का विषय है। मास्टर जी ने कहा, एक बार उससे पूछताछ तो कर ही लीजिए आप इंस्पेक्टर साहब। तब शमशेर बोला, इतना आसान नहीं होगा उस पर हाथ डालना, उसके बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध है। मास्टर जी बोले, उसे सीधे न बुलाकर पुलिसिया हथकंडों से उठा लो ना। तब इंस्पेक्टर हंस दिया और बोला, मास्टर तुम मुझे मरवाओगे? और फिर बोला कि मास्टर आइडिया बुरा नहीं है, चलो देखते हैं। उस रात 10:15 बजे करीब हीरा नंदानी नज़दीक के शहर की एक होटल में बाहर निकला। होटल से निकलकर अपनी कार में अकेले ही लौट रहा था। होटल से ही 2 महंगी कारें उसके आगे पीछे उसकी गाड़ी के साथ रवाना हुई। रास्ते में थोड़ा सा जंगल का इलाका पड़ता था। तीनों कारें आगे पीछे ही चल रही थी। अचानक पीछे आ रही 2 कारों में से एक कार ने अपनी स्पीड बढ़ाई और हीरा नंदानी की कार को ओवरटेक करके थोड़ा आगे जाकर रुक गई। हीरा नंदानी ने भी ब्रेक लगा दिए, मगर रुकते रुकते भी उनकी गाड़ी जो आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। टकराने के कारण आवाज़ सुनकर उस गाड़ी में से 2 बेवड़े जैसे लड़के निकले और हीरा नंदानी पर बरस पड़े। हीरा नंदानी बार बार माफ़ी मांग रहा था, मगर वे तो झगड़ने पर उतारू थे। उन्होंने हीरा नंदानी को गाड़ी से बाहर खींचा और उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ करके उसे बाहर खींचकर पिटाई करने लगे। तभी दूसरी गाड़ी में से 9
जो है दो नौजवान उतरे और उन्होंने उनसे पूछा तो वे बेवड़े बोले, चलो आप लोग अपने रास्ते जाओ, हमारा अपना हिसाब है, हम अपने आप चुकता कर लेंगे। इस पर दोनों युवकों ने उन दोनों बेवड़ों से पहले तो समझा कर बात की, फिर दोनों को एक एक झापट रसीद कर दिया। वे भीगी बिल्ली से तुरंत भाग गए। उन्होंने हीरानंदानी की कार की ओर देखकर कहा, अरे आपकी गाड़ी तो चलने लायक भी नहीं रही, आप चाहें तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। हीरानंदानी ने अपनी गाड़ी को देखा, फिर उसके जो दो लोग थे उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। रास्ते में बातों बातों में उन्होंने उससे उसके काम धंधे के बारे में पूछा तो वह बोला, मैं छोटा मोटा हीरों का व्यापारी हूँ। तब उन्होंने रक्त वर्ण नीलम के बारे में पूछा तो हीरानंदानी ने कहा कि उसने उसके बारे में सुना है। इस पर वह दोनों युवक बोले, दरअसल हम उसे खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर हमें उसका पता चल सके तो हम मुँह मांगे दाम देने को तैयार हैं। उनकी बातों से हीरानंदानी को लालच आ गया और उसने कहा, आप चाहो तो मैं आपको वो नीलम दिलवा सकता हूँ। वे दोनों बहुत ही उत्साहित होकर बोले, आप तो बस हमें नीलम दिलवा दो, हम उसे तुरंत खरीदना चाहते हैं। हीरानंदी बोला, ठीक है चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। इस पर वे बोले, पहले हम अपने घर चलते हैं, कैश और कार्ड रख लें फिर चलते हैं। हीरानंदानी उनकी बात मानकर तैयार हो गया। वे उसे लेकर एक बाहरी इलाके में बने बंगले में आ गए। दोनों ने हीरानंदानी को आदर सहित भीतर बुलाया। उनके भीतर पहुंचते ही एकदम से अंधकार छा गया। कुछ लोग उन तीनों पर झपट पड़े। आनन फानन में उन्हें पकड़कर कुर्सियों से बांध दिया गया और फिर लाइट आ गई। हीरानंदानी ने आंखें मिचमिचाते हुए चारों तरफ देखा तो उसे आसपास कुछ नकाबपोष दिखाई दिए। सबके हाथों में रिवॉल्वर थी और उन्होंने उन लोगों को ही निशाने पर लिया हुआ था। हीरानंदानी के बाजू में ही दो कुर्सियों पर वे नौजवान भी बंधे हुए थे। नकाबपोशों में से एक लंबे चौड़े पहलवान टाइप के व्यक्ति ने आगे बढ़कर हीरानंदानी से पूछा कि सेठ, उसने सनातन बाबू से जो नीलम खरीदा था वो कहाँ है? तो हीरानंदानी बोला कि वह तो मेरे बैंक के लॉकर में है। जब उसने पूछा तो उसने कहा कि जो 2.5 करोड़ रुपए तुमने उसकी हत्या कर लूटे हैं वे कहाँ हैं? तो हीरानंदानी चौंक कर बोला, मैंने कोई रुपया नहीं लूटा, मैंने तो उन्हें नगद भुगतान किया और नीलम लेकर सीधा अपने घर आ गया। नकाबपोश फिर बोला, और उस रात को ही तुमने प्लान बनाकर अपने गुंडों के साथ वापस आकर रुपए लूट लिए, और हमारे पास पुख्ता जानकारी है, जल्दी बताओ रुपए कहाँ हैं वरना तुम्हारी खोपड़ी को उड़ा दूंगा। हीरानंदानी कांपती आवाज में बोला, आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते, मैंने कोई रुपए नहीं लूटे, मैं तो नीलम खरीद कर वापस आ गया और अगले दिन जब सनातन बाबू की हत्या हुई तो मैं ट्रेन में था, क्योंकि मैं नीलम के सौदे की बात करने पड़ोसी शहर गया था। तब नकाबपोश बोला, सेठ तुम सीधे सीधे हमें बता दो रुपए कहाँ हैं, सिर्फ इसीलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ नगद रुपए चाहिए, नीलम तुम रख लो, अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरानंदानी रोने लगा तो नकाबपोश आगे बढ़कर उसे समझाने के भाव से बोला, देखो सेठ हमें सिर्फ रुपयों की ज़रूरत है, इसलिए सीधे तौर पर बता दो रुपए कहाँ हैं वरना अभी के अभी तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरानंदानी बड़े ही दयनीय स्वर में रोते हुए बोला, भाई साहब आप चाहे मेरी जान ले लो मगर जो चीज़ मैंने ली ही नहीं है उसे मैं कैसे लौटा सकता हूँ। हाँ आप चाहो तो मेरी जान बख्शने के बदले मुझसे वह नीलम ले लो, उसे खरीद कर मेरी तो जान पर ही बनाई है। नकाबपोश ने दूसरे साथी की ओर देखा, उसने सर हिलाकर कुछ इशारा किया तो नकाबपोश बोला, आज रात तक का वक्त हम तुम्हें देते हैं सेठ, अच्छी तरह सोच लो, कल सुबह हम जो है फिर दोबारा आएंगे, तब तक हमारे साथ तुम मेहमान बनकर रहोगे। यह सुनकर वे दोनों नौजवान जिन्होंने उन्हें लिफ्ट दी थी वे बोले, भाई हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तो इस मजबूर सेठ की सहायता की थी इसलिए इसे लिफ्ट दी थी, अब हमें तो छोड़ दो। नकाबपोश ने अपने साथियों को इशारा किया तो एक ने आगे बढ़कर उन्हें खोल दिया। नकाबपोश ने हिदायत दी, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, कोई हरकत की तो गोली सीधे सर पर आकर लगेगी।
दोनों चुप वहाँ से चले गए। कमरे में सिर्फ सेठ रह गया। इधर दूसरे कमरे से आकर नकाबपोशों ने नकाब उतार दिए तो सामने मास्टर और शमशेर और पुलिस के जवान दिखाई दिए। शमशेर ने मास्टर से पूछा, अब क्या कहते हो? वो बोला, जरा पिछले शहर के उस ट्रेन के आने का समय और उस शहर में उस ट्रेन के पहुंचने के समय के सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, पता चल जाएगा कि सेठ जो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हत्या के वक्त से ट्रेन में ही था। शमशेर ने फुटेज प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी। 3 घंटे में उन्हें फुटेज प्राप्त हो गई और सेठ की जो बात सही साबित हुई, अर्थात मतलब सेठ को भी क्लीन चिट मिल गई। सेठ को अब 1 घंटे बाद छोड़ दिया गया और मास्टर और शमशेर फिर इस हत्या को सुलझाने की तरकीब सोचने लगे। शमशेर ने मास्टर से कहा, मास्टर जी, हमारी नज़र में जो जो संदिग्ध थे हम तो सबकी जांच कर चुके हैं, लगता है हम कहीं पर चूक कर रहे हैं। मास्टर जी बोले, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, चलिए हम थाने चलते हैं और एक एक करके सभी प्राप्त जितने भी हमारे पास सबूत हैं फिर से उनका विश्लेषण कर देखते हैं। वे दोनों थाने आ गए। शमशेर ने चाय मंगवाई, तब तक पौ फट चुकी थी। चाय पीने के बाद शमशेर बोला, मास्टर सुबह हो गई है, आज इतवार है, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, दोपहर में भोजन करके थाने आ जाना, तब इस बारे में सोचेंगे। मास्टर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी भी उसके इंतजार में रात में ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए वे थोड़ी देर आराम करने चले गए। लगभग 10 बजे उठकर उन्होंने चाय पी और फिर फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठे। मास्टर की पत्नी ने गर्मा गर्म पूरियाँ और आलू की सब्जी बनाई थी। नाश्ता करने के बाद मास्टर की नज़र सामने वाली दीवार पर टंगी फ़ोटो पर गई। वो लगभग 1 साल पुरानी फ़ोटो थी। उस फोटो में मास्टर और उसके दोनों दोस्त हरमन और नीलेश उसके साथ थे। सबसे आगे हरमन था, उसके पीछे गले में हाथ डाले नीलेश और उसके पीछे मास्टर था। हरमन ने लाल धारीदार शर्ट पहनी हुई थी, उसमें जो बटन थे वे काले रंग के थे जिन पर गोल्डन धारी बनी हुई थी, जिन्होंने उन बटनों को एक अलग ही आकर्षक लुक दे रखा था। उस फोटो को उसकी पत्नी अलका ने खींचा था। मास्टर बोला, अलका तुम्हें याद है यह तस्वीर तुमने पिछले साल खींची थी जब हरमन और नीलेश के पहले प्रोजेक्ट पर अपना घर का मुहूर्त किया था? अलका कहने लगी, हाँ याद आया। याद करते हुए बोली, हाँ 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 उस रोज़ हम वहाँ सभी गए थे। फिर कुछ याद करते हुए बोली, अभी उस रोज़ रात में हमारे घर भोजन करते हुए वे लोग बता रहे थे ना कि आजकल उनकी साइट पर काम रुका हुआ है क्योंकि फंड की दिक्कत आ रही है, इन्वेस्टर्स मार्केट की मंदी को देखते हुए पीछे हट रहे हैं और उनके पास भी इतनी रकम नहीं है कि वे प्रोजेक्ट को चालू रख सकें। हाँ, हनुमान भाई तो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी है, और नीलेश भी बोल रहा था कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं, ऊपर से उन्होंने वहाँ मकान बुक करवाया है जहाँ, तो वह मकान वाले भी दबाव डाल रहे हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी से पूरा किया जाए। मास्टर को सारी बातें याद आ गई। खैर, नाश्ता ख़त्म होने के बाद ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अलका ने पूछा, सनातन बाबू के हत्यारों का कुछ पता चला? तो मास्टर जी बोले, नहीं यार, अभी तक पुलिस अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है। सारे जिन लोगों पर शक था सबको टटोलने के बाद खाली हाथ ही हैं, अभी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। यह सुनकर अलका ने गहरी सांस ली और बोली, पता नहीं कौन निरसंस हत्यारे हैं जो एक भले मानस का खून कर छिप गए। मास्टर जी बोला, मैं भी यही सब सोच सोच कर परेशान हूँ। देखो, भगवान सहायता जरूर करेंगे। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। अलका ने फ़ोन उठाया और फिर मास्टर से बोली, थाने से फ़ोन है, शमशेर जी आपसे कुछ आपको पूछ रहे हैं। मास्टर जी ने रिसीवर लेकर कहा, जी हुक्म कीजिए सरकार। उधर से शमशेर की आवाज़ आई, आराम कर लिया हो तो आ जाओ मास्टर जी, आज सुबह सुबह उमस उस पर एसपी साहब की झाड़ खाना बस रह गई है। तो उन पर जो डांट पड़ी थी ऊपर से कि किशन जो सेठ जी हैं
उनके जो केस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए। वे किशन सेठ और हीरा नंदानी के मामले में हमारी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं, और ख़ासकर हीरा नंदानी के मामले में तो वे बिल्कुल ही फूट पड़े हैं। वो तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, वरना सस्पेंशन नहीं तो ट्रांसफ़र तो निश्चित ही था। उन्होंने मुझे 3 दिन का वक्त दिया है, अब हमें हर हाल में खूनियों को पकड़कर कानून के हवाले करना ही है, वरना मेरी खैर नहीं, क्योंकि DSP साहब का ऑर्डर है। मास्टर बोला, आप चिंता मत करिए साहब, मैं अभी थाने आ रहा हूँ, उम्मीद है हम दोनों मिलकर आज ही इस केस का हल ढूंढ लेंगे। शमशेर बोला, तो जल्दी आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मास्टर ने अलका से कहा, मैं थाने जा रहा हूँ, शमशेर बड़ी दिक्कत में आ गया है, लंच पर मेरा इंतज़ार मत करना। अलका बोली, ठीक है, मगर रात को हरमन और नीलेश हमारे साथ जो घर डिनर करने वाले हैं, ये याद है ना? मास्टर बोला, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, आज तुम्हारा जन्मदिन है, सॉरी, और हाँ, हैप्पी बर्थडे डियर। और यह कहकर उसने अपनी पत्नी को हैप्पी बर्थडे कहकर जन्मदिन विश किया। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अलका मुस्कुरा कर बोली, बस रहने भी दो, जैसे हर साल आज का दिन तुम्हें याद ही रहता हो। वो तो मैं हर साल ही याद दिलाती हूँ, तुम तो हर बार भूल ही जाते हो। मास्टर जी हाथ जोड़कर बोले, जो आज्ञा जहाँ पना। अलका कहने लगी, लो अब जनाब ने मेरा जेंडर ही बदल दिया। और दोनों ही जो हंसने लगे। मास्टर ने उसे एक बार फिर आलिंगन में लिया और फिर चल पड़ा थाने की तरफ। थाने में शमशेर बहुत ही उदास सा लग रहा था। मास्टर समझ गया कि बड़ी तगड़ी झाड़ पड़ी है। वह उसके केबिन में आया। शमशेर ने उसे बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर मौन छाया रहा। आखिर मास्टर ने चुप्पी थोड़ी तो बोला, थानेदार साहब, यूँ चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, चलिए हम एक एक कर घटनाओं की कड़ियों को मिलाते हैं, जहाँ भी कड़ी मिसिंग लगे वहीं से शुरू करेंगे। शमशेर बोला, ठीक है। सबसे पहले सनातन बाबू के दोस्तों का अचानक इतने साल बाद आना, फिर जन्मदिन मनाकर उस नीलम को देखकर वापस जाना। मास्टर जी बोले, कहीं कुछ संदिग्ध नहीं? शमशेर ने सिर हिलाया। तो मास्टर एक एक कर घटनाओं की कड़ियाँ मिलाता रहा। शमशेर हामी भरता रहा, मगर नतीजा फिर भी विफल रहा। मास्टर बोला, आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है? हम हर कड़ी परफेक्ट है। तभी उसे याद आया कि किशन सेठ ने जो 2 गुंडे अभी भी पुलिस के कब्जे में हैं, उसने शमशेर से कहा, जरा उन गुंडों को बुलवाओ, और हाँ, उन्हें बिल्कुल डराना नहीं, बस मुझे कुछ सवाल करने देना। इंस्पेक्टर कहने लगा, ठीक है। मास्टर बोला, ऐसा करो, एक प्राइवेट गाड़ी में उन दोनों को बिठाओ, और सिर्फ हम दोनों उस गाड़ी में रहेंगे, तुम गाड़ी चलाना, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ। शमशेर ने सारी व्यवस्था कर ली। वे उन दोनों गुंडों को लेकर रवाना हो गए, और मास्टर के कहने पर शमशेर गाड़ी शहर के बाहर ले चला। बाहर जंगल की ओर गाड़ी मुड़ी तो दोनों जो गुंडे थे घबरा कर पूछने लगे, साहब हमें कहाँ ले जा रहे हो? तो शमशेर बोला, चुपचाप बैठ, ज़्यादा चूँचा की तो यहीं उड़ा दूँगा। दोनों घबरा गए। उन्हें घबराते देखकर मास्टर बोला, सुनो भाई, थानेदार साहब का दिमाग बहुत ही घूमा हुआ है। सनातन बाबू के मामले में आज उन्हें SP साहब से खूब डांट पड़ी है, इसलिए ज़रा शांति से सोचो, और घटना के दिन और उसके आगे के 2-3 दिनों की सारी जानकारी हमें दे दो। हमें मालूम है कि तुम लोग पिछले 1 महीने से सारा दिन रात उनके घर की निगरानी करते रहे हो, कौन कौन उनके यहाँ आया और कौन कौन उनके घर से गया, सब कुछ बता दो। अगर कुछ भी गलत बोले तो ये पागल अफसर तुरंत गोली चला देगा। मास्टर की बात सुनकर दोनों और घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनमें आँखों में कुछ इशारे हुए। फिर वे एक एक कर सब हाल कहने लगे। मास्टर जी गौर से सब सुन रहा था। उन दोनों ने बताया कि ज़्यादातर उस घर में कोई आता जाता नहीं, मगर सेठ हीरा नंदानी जरूर वारदात के 2 दिन पहले रात में सनातन बाबू से मिलने आया था। उस दिन के बाद से रामदीन, जो ज़्यादातर घर पर रहता था, अचानक कहीं जाने लगा। वे आगे बोले, पहले तो हमें कुछ अजीब लगा, ये आदमी तो पिछले कई सालों से घर से निकलता ही नहीं था,
फिर ये कहाँ जाता है? बस हमने उसका पीछा किया, हमने देखा वो अपना घर प्रोजेक्ट वाली साइड पर गया था। यह सुनकर मास्टर चौंक पड़ा। उसने पूछा, वो वहाँ किससे मिलने गया था या मकान वगैरह खरीदने की सोच कर गया था? इस पर वे बोले, हम नहीं बता सकते, मगर वो वहाँ पर सिर्फ ऑफिस में ही गया था, और 20 मिनट बाद जब लौटने के लिए बाहर निकला तो उस साइट के मालिक से जो मालिक में से एक जन उसको बाहर तक छोड़ने भी आया। ये जानकारी मास्टर और शमशेर को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। मास्टर ने अर्थपूर्ण नज़र से शमशेर को देखा तो उसने भी सर हिलाया। मास्टर ने पूछा, क्या देखा? इस पर वे बोले, उसी दिन रामदीन दोबारा उसी जगह पर गया और 5 मिनट में लौट आया, और बाहर आते हुए वे चारों ओर चौकन्नी नज़र से देखता आ रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख ना ले। इस जानकारी पर मास्टर और शमशेर फिर चौंक गए। शमशेर ने गाड़ी में ज़ोर से ब्रेक मारे, गाड़ी एक आवाज़ के साथ झटका खाकर रुक गई। शमशेर बोला, कितनी बार रामदीन हुआ गया? तो उनमें से एक बोला, अगले दिन वो सिर्फ एक बार हुआ गया, मगर उस रोज दोनों ही मालिक हुआ नहीं थे, सो वह चुपचाप लौट आया। मास्टर बोला, तो सनातन बाबू की हत्या के बाद रामदीन की कोई विचित्र गतिविधि दिखाई दी थी? तो इस पर वे एक साथ बोले, वैसे तो कोई खास नहीं, मगर रामदीन हत्या वाले दिन रामदीन बाजार में बीचों बीच लगभग 15 मिनट खड़ा रहा। उसने ना तो किसी दुकान का रुख किया और ना ही कुछ खरीदा, मगर फिर अचानक अपने घर के एक मालिक को देखकर उसने सर को हल्का झटका दिया और वापस लौट आया था। ये बातें सुनकर मास्टर और शमशेर से बोला, मास्टर थानेदार साहब, इन लोगों ने आपको सारी जानकारी दे दी है, अब इनकी कोई ज़रूरत तो नहीं? इसलिए अभी वो इतना ही कह पाया था कि दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब हमें मत मारना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे हमारे साथ अनाथ हो जाएंगे। इस पर मास्टर जो बोला, अरे पागलों, मैं तो इनसे तुम्हें छोड़ देने के लिए कहने जा रहा था। यह सुनकर शमशेर भी हंस पड़ा और बोले, जाओ रे भागो यहाँ से, मगर हाँ अब आगे से गुंडागर्दी नहीं चलना चाहिए, वरना इस बार एनकाउंटर करके ही छोड़ूंगा। दोनों जीप से उतरकर बहुत तेज़ी के साथ भाग गए। शमशेर ने गाड़ी थाने की ओर मोड़ दी। थाने पहुंचकर शमशेर बोला, यार मास्टर, उन लोगों की बातों में से तो यह लगता है कि कोई खिचड़ी पकी है, मगर हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ रही। अभी हमारे पास रामदीन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है और ना ही उन बिल्डरों के खिलाफ कोई सबूत है, इसलिए हम खाली हाथ ही हैं। उधर मास्टर कुछ और ही सोच रहा था। उसने शमशेर से मौके पर मिली वस्तुओं को देखने की इच्छा की व्यक्त की तो शमशेर ने उसे माल खाने में ले गया और मौके पर मिली वस्तुओं को दिखाया। शमशेर ने देखा, अलग अलग पॉलीपैक में सारी वस्तुएं रखी हैं, उनमें दो बुलेट, जो बुलेट के खाली खोल, एक चमड़े का बड़ा सा बैग जिसमें एक दस्तावेज थे, उस अलमारी की चाबी जिसमें रुपए रखे थे, सनातन बाबू की चप्पलें, एक कांसे का गिलास, एक बढ़िया बॉन चाइना की क्वार्टर प्लेट और एक छोटा सा कमीज का बटन। मास्टर ने सारी चीज़ें बड़ी गौर से देखी मगर कहा कुछ नहीं। वे लोग शमशेर के केबिन में आ गए। मास्टर बोला, भाई बढ़िया चाय और कुछ हल्का नाश्ता मंगवा लो। शमशेर ने कांस्टेबल को वो सब लाने को कह दिया। शमशेर इंतज़ार करता रहा कि मास्टर कुछ बोलेगा, मगर उसने उन वस्तुओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि शमशेर से बोला, थानेदार साहब, आज रात मेरे घर डिनर पर आओ, मेरी पत्नी अलका का आज जन्मदिन है। शमशेर बोला, मास्टर यहाँ नौकरी पर बनी है और तुम डिनर पर बुला रहे हो, मजाक छोड़ो और सोचो क्या करना है। मास्टर बोला, सब भगवान पर छोड़ दो, क्या पता वो किस रूप में तुम्हारी सहायता हल कर दें, तुम तो टेंशन फ्री होकर रात को डिनर पर आओ, और हाँ हाथ में फोर्स तैयार रखना, रात में फोर्स को तैयार रखना, शायद भगवान तुम्हारी मदद कर दे। शमशेर बोला, पहेलियाँ मत बुझाओ, सच बताओ, तुम्हें कोई लीड मिली है क्या? मास्टर बोला, नहीं भाई, मैं तो फिलहाल इस बारे में सोच ही नहीं रहा, बल्कि बीवी को आज क्या उपहार दूँ यह सोच रहा हूँ। वो शमशेर से विदा लेकर चला गया। वहाँ से निकलने से पहले वह बोला,
कि थानेदार साहब आते वक्त अपने साथ रामदीन को भी लेते आना, मैंने अभी उसे भी निमंत्रण दिया है। शाम को मास्टर के घर पर एक एक करके मेहमान आने लगे। सबसे पहले हरमन और नीलेश आए। हरमन ने आज मास्टर के अनुरोध पर वही शर्ट पहनी थी जिसे वह उन तीनों दोस्तों की फ़ोटो में पहने हुआ था। दरअसल यह शर्ट मास्टर की जो बहुत फेवरेट शर्ट थी और वो जब भी खास मौका होता हरमन को यही शर्ट पहनने को कहता था, इसलिए हरमन ने आज भी उनके अनुरोध को स्वीकार करके यह शर्ट पहन ली। फिर थोड़ी देर बाद ही शमशेर अपने साथ रामदीन को लेकर आ गया। उनके पीछे एक व्यक्ति और थोड़ा सहमा हुआ सा आया। उसे देखते ही मास्टर बोला, अरे मुश्ताक आओ 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 भाई, संकोच मत करो, इसे अपना घर समझो। वो थोड़ा सकुचाते हुए भीतर आ गया। उसे आते देखकर सभी ने उसे अपरिचित नज़रों से देखा सिवाय रामदीन के। यह देखकर मास्टर बोला, मैं परिचय करवा दूं, ये मेरा परिचित है, इसका नाम मुश्ताक है, पेशे से ऑटो ड्राइवर है और मेरे खास अनुरोध पर आज इस पार्टी में शामिल हुआ है। शमशेर ने उसे घूर कर देखा तो बेचारा एकदम सहम सा गया। यह देखकर मास्टर बोला, थानेदार साहब इस वक्त आप पार्टी में हैं, कृपया पुलिस या तेवर छोड़कर सामान्य हो जाइए। सब हंसने पड़ लगे, जितने भी लोग इकट्ठा थे सब हंसने लगे। पार्टी शुरू हो गई, चाय नाश्ता केक काटना उपहार देना सब कुछ हो गया। तो शमशेर ने प्रश्नवाचक निगाहें मास्टर पर टिका दी। उसने हल्के से सर हिलाकर उसे दिलासा दिया। तभी अलका बोली, चलिए भीतर वाले कमरे में खाने की व्यवस्था की गई है। सब लोग भीतर आ गए। खाना खाकर सब लोग उसी कमरे में बैठ गए। बाहर ठंड का एहसास बढ़ने लगा था। अलका ने मास्टर को इशारे पर मुख्य द्वार बंद करा दिया। अब शमशेर से रहा नहीं गया तो वह मास्टर से बोला, मास्टर अब तो पार्टी भी ख़त्म होने को आई, अब तो बताओ कि हम सबको इस प्रकार इकट्ठा करने की क्या वजह है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि आज भाभी जी का जन्मदिन नहीं है बल्कि अगले महीने है। आज जब मैं अपनी पर्सनल डायरी पलट रहा था तभी महत्वपूर्ण तारीखों पर नज़र पड़ी तो देखा उसमें भाभी जी का जन्मदिन अगले महीने आज की तारीख में लिखा हुआ है। मास्टर बोला, थानेदार बाबू तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ, सचमुच आज अलका का जन्मदिन नहीं है बल्कि आज की पार्टी तुम्हारी जीत की पार्टी है, तुम्हारी जीत की खुशी में है, क्योंकि तुमने इस पार्टी में सनातन बाबू के हत्यारों को गिरफ्तार करना है। यह सुनकर शमशेर चौंक पड़ा और बोला, मास्टर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यहाँ इस वक्त कौन कातिल है, सभी तो जाने पहचाने लग रहे हैं, सनातन बाबू के हत्यारों को में इनमें से कौन है जिसे फ़ायदा हो सकता है। तब मास्टर बोला, पहले थाने फ़ोन करके फोर्स बुलवा लो। शमशेर ने थाने फ़ोन कर दिया। उधर सब आपस में फुसफुसाने लगे, सिर्फ मुश्ताक ही बेचारा उस तरफ सहम कर खड़ा था। शमशेर अचानक उस पर झपटा, तभी मास्टर ने उसे रोका और कहा, नहीं नहीं मुश्ताक हत्यारा नहीं है, हत्यारे दो नहीं तीन हैं। शमशेर रुक गया। तभी कांस्टेबल ने आकर थाने से फोर्स आने की सूचना दी। मास्टर बोला, थानेदार साहब हरमन नीलेश और रामदीन को गिरफ्तार कर लो, यही हत्यारे हैं। सब लोग चौंक पड़े। इधर ये तीनों भागने की कोशिश करने लगे मगर शमशेर के इशारे पर सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। शमशेर बोला, पूरी बात बताओ मास्टर, पहेलियाँ मत बुझाओ। मास्टर ने बताया, इस हत्याकांड की कल्पना 3 हफ्ते पहले ही कर ली गई थी, जब से रामदीन को उस नीलम के बारे में पता चला। दरअसल रामदीन सनातन बाबू का बहुत ही विश्वासपात्र नौकर था और सनातन बाबू के दोस्तों से नीलम की तारीफ और उसके दुर्लभ होने की बातें सुन चुका था। रामदीन को अपना घर प्रोजेक्ट में मकान लेने की इच्छा थी। वो इसी उद्देश्य से 3 हफ्ते पहले साइट पर गया था। वहाँ मकान की कीमत सुनकर वो घबरा गया और वापस लौटने की सोच रहा था, मगर उसने सोचा एक बार मालिक लोगों से मिल लूँ, शायद कुछ राहत मिल जाए। वो उनके ऑफिस की ओर गया तो बाहर से उसने हरमन को नीलेश की बातें करते हुए सुन लिया। हरमन और नीलेश आपस में चर्चा कर रहे थे कि फंड की कमी के कारण प्रोजेक्ट रुक गया है।
जल्दी से पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर रामदीन के दिमाग में एक ख्याल आ गया और उसने उनके केबिन में जाकर उनसे मिला और उन्हें उस दुर्लभ नीलम के बारे में बताया और बोला, उसे लूटने में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, बदले में उसे नीलम का एक तिहाई दाम और एक मकान दिया जाए। इन दोनों ने सोचने का समय मांगा। एक हफ्ते बाद वे तैयार हो गए, प्लान बनाने लगा। तभी उनके भाग्य से सेठ हीरा नंदानी ने नीलम 2.5 करोड़ में खरीद लिया और उसी रात इनका लूट का प्रोग्राम था। सो रात में रामदीन ने मुख्य दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और खुद भी उस दिन वहीं रुक गया। आधी रात में नीलेश और हरमन पहुँचे और सनातन बाबू को धमकाया। इनके साथ रामदीन को देखकर सनातन बाबू चौंके थे, इसलिए उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। हरमन ने जब उनसे चाबी छीनने की कोशिश की तभी हाथापाई में उनके शर्ट का बटन टूटकर गिरा और आज आप देखो हरमन की शर्ट में एक बटन अनमैच लगा हुआ है। नीलेश ने गोलियां चलाई तो रामदीन ने अलमारी खोलकर नीलम उन्हें सौंपा था। शमशेर बोला, मुश्ताक का क्या रोल है? तो मास्टर बोला, मुझे इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ी मदद मुश्ताक ने ही की है। पहली लीड उसी ने दी थी। दरअसल यह वही ऑटो ड्राइवर है जिसने 2 बार रामदीन को अपना घर की साइट पर और 1 बार हरमन के घर पर पहुंचाया था। शमशेर ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और मास्टर का धन्यवाद दिया। उसकी मदद से यह केस SP साहब द्वारा डेडलाइन से पहले ही हल कर दिया गया। अगले दिन SP साहब ने उसे बधाई दी और अखबारों में इस केस के हल को करवाने वाले जीनियस के रूप में इंस्पेक्टर शमशेर की शान में कसीदे लिखे गए और उनकी तारीफ़ की गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।